गौरव जी, एक बड़ा अच्छा शेर था गालिब का, सबको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो अपने मन को बहलाने के लिए ये सब कोई भी तर्क अपने को देते रहे बहुत स्वाभाविक है, और इनको मुबारक इनका तर्क। आपने कहा बहुत बड़ा एक जलसा सा होने जा रहा है जिसमें बहुत कुछ होने जा रहा है, और क्योंकि ये परिपेक्ष जो है राष्ट्रपति के चुनाव का परिपेक्ष है, तो मैं कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जीतने के लिए 5,49,474 वोट चाहिए होती है, ठीक है जी, 5.5 लाख वोट चाहिए। अब ये जो जमावड़ा इकट्ठा करने की कोशिश करी जा रही है उसके पास वोट कितनी है जरा पहले, मतलब देखिए वस्तु स्थिति का आकलन भी कर लीजिए, उसके बाद देख लीजिए कि इसमें गंभीरता कितनी है, या ये एक नौटंकी है। कांग्रेस के पास है 1,63,485 वोट, जेडीयू यहां बैठी हुई जेडीयू के पास है 20,935 वोट, आरजेडी के पास है 18,796 वोट। इनके सारी फहरिस्त उठा के देख लीजिए, जितने भी आन कान प्रकेण ये भी वो भी टू भी टू भी सबको मिला के 3.5 लाख वोट भी नहीं घटता होती है। फिर भी जो है विपक्ष साथ आ गया तो भाजपा की नींव हिल जाएगी। थोड़ा और बता दूं कि भाजपा के पास जो है हमारा एनडीए उसके पास कितनी है, उसके पास 5,30,000। ये तो यहाँ पर बैठे सीनियर जर्नलिस्ट कह रहे हैं सुधांशु मित्तल कि आपको राष्ट्रपति चुनाव में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो आप आसानी से बनवा ले जाएंगे। और पिछली बार शिवसेना इनका साथ छोड़ गई, लेकिन 2000 क्या ये तैयारी 2019 की है, क्योंकि 2019 में मोदी को रोकना है तो विपक्ष को एक साथ आना पड़ेगा ये सब कह रहे हैं, तो ये विपक्ष उसी की तैयारी कर रहा है राष्ट्रपति चुनाव के बहाने, और आपको इस तैयारी में दम दिखता है? मैं कहता हूं कि ये सब लोग विपक्ष वाले एक एजेंडा पे आ जाएं कि हमें मोदी को रोकना है, क्योंकि हिंदुस्तान के लोगों की मानसिकता में नकारात्मक सोच जो है वो आज तक नहीं चली है। वो इंदिरा जी नहीं हमें सिखाया था, लोग कहते हैं इंदिरा हटाओ, इंदिरा कहती है गरीबी हटाओ, उन्होंने ही सिखाया था कि जब भी प्रतिपक्ष की नकारात्मक सोच होती है और कोई एजेंडा ऐसा नहीं होता है जिसमें कि सकारात्मक फायदा देश को या लोगों को मिलने वाला होता है, तो लोग अपने आप जो है निर्णय करते। तो मैं चाहता हूं कि सारे शेड्स के लोग इकट्ठा हो जाएं, मायावती जी भी आ जाएं, सापा भी उसी में आ जाए, सारे लोग आ जाएं, जो सारे परस्पर विरोधी ताकते हैं, जो एक दूसरे के पीछे कुत्ता बिल्ली का बैर लेके चलती है, वो सारी ताकते आ जाए और हमें हराने के लिए कहे हमें तो मोदी को हटाना है। मैं तो बहुत अच्छा मानूंगा इसको, 2019 में कृपा करिए आप हम पे बड़ा एहसान करेंगे। हम तो मोदी को हटाने के लिए नहीं, हम अच्छे दिन 3 साल हो गए उसको, जो खोज है ना हमारी उस खोज में लगे हुए थे, अच्छे दिन कहाँ है, तो 3 साल में देख रहे हैं कि कितने अच्छे दिन आए। थोड़ा सा हम लोग बहुत सभ्य लोग हैं शहजादी, हम लोग बहुत सभ्य लोग हैं। तो मैंने देखी कुत्ता बिल्ली का उदाहरण आप दिए, सभ्यता तो मैंने देखी। आपकी बात होगी, आप नहीं रखिएगा आप। अच्छा, आपको हम लोग प्रयास, हम लोग मदद करने वाले हैं कि अच्छे दिन खोजने में 3 साल हो जाएंगे, अच्छे दिन आए नहीं, तो अच्छे दिन कहाँ है, हम आपकी मदद करेंगे खोजने में। अपनी बात पूरी, आप इसको किस तरह सब्जी मंडी का एक चर्चा करना चाहते हैं क्या भाई? गौरव जी ये तो आपको नियंत्रण करना पड़ेगा। मैं तो बोल रहा हूँ अपनी बात पूरी कीजिए, शहजाद रुक गए, अपनी बात पूरी कीजिए शहजाद। नहीं, मैं सबसे ये कहता हूँ शहजाद से, मैं कहता हूँ मेरी बात की आवाज मत बोलना, लेकिन विपक्ष बीच में क्या बोल रहा है, विपक्ष में धोखा दिया जा रहा है सर। बोलिए अपनी बात पूरी कीजिए, सुधांशु मित्तल गौरव है। तो गौरव जी मैं ये कह रहा था, गौरव जी मैंने कहा मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि कहीं का ईटा कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा, आप जोड़िए स्वागत है, हमें इससे कोई चिंता नहीं है। हमारा लक्ष्य अभी राष्ट्रपति चुनाव है, उसके बाद हमारा लक्ष्य उपराष्ट्रपति चुनाव है, उसके बाद हर राज्य के अंदर चुनाव आ रहे हैं और हर राज्य के अंदर वो चुनाव भाजपा अच्छे बहुमत से जीतने वाली है। तो हम लोग आश्वस्त हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हम देश हित में जनता की सेवा कर रहे हैं, और आपको जो राजनीति करनी है जरूर करिए, सारे को इकट्ठा करिए, हमें कोई फर्क नहीं। ठीक है, जनता पार्टी जो एक हुई थी 77 में वो सब क्या था सर? 77 की बात, आज की बात, मैं आपको पूछ रहा हूं, वो करे तो चमत्कार और दूसरा करे तो गुनेगार सर। देखिए ये राजनीति में पैमाने सेम होने चाहिए दोनों के लिए। चलिए, अगर आपने पिछले इंदिरा जी के खिलाफ किया तो आपने बड़ा चमत्कार कर दिया, देश एक हो गया, सब हो गया, और अगर कोई कर रहा, हम लोग कर भी नहीं रहे, हम तो कह रहे कि देश में क्या गलत है क्या सही है, उसका हम अगर हम बोलेंगे साथ में मिलकर, तो आपको उससे दिक्कत है।
लेकिन आपको दिक्कत क्यों है? ऑपोजिशन कुछ बोले उससे दिक्कत क्यों है? एक बात मैं देख रहा हूं, डिबेट में भी सारे पैमाने एक होने चाहिए, इस नियम पर भी आप नहीं तैयार हो रहे हैं। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि मैं जब आपके पास आऊं तो बोलिए, आप बीच में बोल रहे हैं, मैं जा रहा था उर्मिलेश जी के पास जाऊं लेकिन आपने मुझे बीच में रोक दिया। आजकल मीडिया सरकार के पक्ष को ज्यादा रखता है तो हम लोग को अपना मौका लेना पड़ लिया आपने सरकार के पक्ष में। मैंने कब आपको कम मौका दिया और किसी और को ज्यादा मौका दिया? मीडिया का मैं आ रहा हूं आपके पास, बेसब्र क्यों हो रहे हैं? देखिए राजीव जी के पास एक बार गया, सबके पास एक बार गया, पक्ष के तीन है और मैं अकेला हूं। मैं आता हूं, एक मिनट आप थोड़ा ध्यान रखिए, आप तो समझते हैं चीजों को, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन उर्मिलेश जी के पास जाऊंगा। उर्मिलेश जी, अब गौरव जी देखिए, नीतीश कुमार जी ने खुद ने कहा है कि भाई मैं तो हुई नहीं, मेरी तो छोटा दल है और ना मैं इस रेस में हूं ना मैं करने वाला हूं। सोनिया जी वैसे ही अपना इस पद के लिए त्याग कर चुकी हैं। बची ममता जी, ममता जी कितनी तैयार है और कितनी सर्वशक्तिमान है, सर्व स्वीकृति है, भगवान जाने, ये लोग तो इनको तय करना होगा। अनिल जी, जब 40 साल पुराना कोई उदाहरण लेके हम आज के परिपेक्ष में उसको बात करते तो तब से कहते गंगा में बहुत पानी बह चुका है। 1990 का दशक जो था वो जाग का दशक था, उससे पहले इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी का एक दशक चलता था, अब जो है पॉलिटिक्स ऑफ होप का चलता है, पॉलिटिक्स ऑफ डिलीवरी का चलता है, डेवलपमेंट का चलता है, एस्पिरेशंस का चलता है। तो हम लोग जब किसी चीज का मूल्यांकन या विश्लेषण करेंगे तो आज के परिपेक्ष में आज की स्थितियां देख के अगर करेंगे तो शायद वो ज्यादा सार्थक भी होगा, ज्यादा उसमें सटीक भी होगा। तर्क के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, उसमें हर एक को स्वतंत्रता है। ये अपने आप में स्पष्ट होता है कि कभी भी कोई भी अगर गठबंधन भी बनता है तो किसी का नेतृत्व होना स्वाभाविक है, और इनके पास हो सकता है नेतृत्व हो सकता ना हो, ये इनको तय करना है। मतलब मुझे अपने प्रतिद्वंदी को ताकत में दूं, ये तो मुझे बड़ा ही कुतर्क लगता है। हाँ, प्रतिद्वंदी और ताकतवरों का तो लड़ने में ज्यादा मजा आएगा, ताकतवर नहीं होगा तो आसानी से लड़ाई हो जाएगी। लेकिन मुझे अभी तक नहीं लगता है कि किसी भी शास्त्र में यह सिखाया जाता है, ठीक है, कि अपने प्रतिद्वंदी को तुम पहले मजबूत करो, ठीक है, और वो आप देंगे भी नहीं, क्यों देंगे आप क्यों देंगे आपस में जो मजबूती करते हैं, लेकिन ताकतवर होगा तो मजबूत होगा। लेकिन राजीव रंजन इसी सवाल को आगे लेकर आता हूँ। राजीव रंजन सर, मैं आता हूँ राजीव रंजन से ले लेता हूँ आपकी बात, फिर मौका दूंगा आप पूरी करिएगा। राजीव रंजन एजेंडा पर सुधांशु मित्तल, जवाब दीजिए यहाँ पर जो शहजाद पूनावाला कह रहे हैं कि किस तरह से वहां पर आप लोगों ने जो 3 सालों में काम नहीं किया है उसके बारे में विपक्षी एकता का एजेंडा सेट होगा। गौरव जी, 3:1 चल रहा है, 3 प्रतिपक्ष की पार्टियां और पूरा समय इन्होंने लिया, मुझे भी लगता है थोड़ा समय देंगे। मैं एक एक पे आना चाहता हूं। राजीव रंजन जी ने मुझे बड़ी जनता दल यू के बारे में बतलाया, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के बारे में बतलाया और कैसे उनके नेतृत्व से हमें फायदा हुआ था ये बताया। थोड़ा इतिहास राजीव रंजन जी का शायद कमजोर है, क्योंकि मैं उस इतिहास का चश्मदीद गवाह हूं, शायद ये थे या नहीं तो मैं नहीं जानता। राजीव रंजन जी, नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री की घोषणा जो है भाजपा ने करी थी, जेडीयू ने नहीं करी थी। नहीं पता हो तो जरा इतिहास के पन्ने उलट के देख लीजिएगा। आपके यहाँ तो रिबेलियन हो गया था। एक बात कहना चाहूंगा, आपके यहाँ तो जॉर्ज फर्नांडिस के बयान और दिग्विजय सिंह के बयान क्या थे? देखिए अब आप बोले, मैं बीच में कैसे बात चलेगी? कैसे एक छोटी पार्टी और आपका विलय हुआ था जनता पार्टी के साथ, 89 में नेशनल फ्रंट बना, नेशनल फ्रंट के साथ हम मिलकर के जनता दल के साथ वीपी सिंह की अगुवाई में पूरे देश में हम लोगों ने चुनाव लड़ने का काम किया था। मैंने इतिहास के उन पन्नों की याद दिलाई है। ओके ओके, अब आप उनको बोलने दीजिए, आपकी बात हो गई। लेकिन राजीव जवाब दे देता हूँ। राजीव जी, हो गई आपकी बात। नीतीश कुमार जी के पहले आप शहरों की पार्टी थे, शहरों में 40-35 सीटों से ज्यादा बिहार में नहीं लाते थे। उर्मिलेश जी बिहार की धरती से जुड़े रहे हैं, एक बड़े पत्रकार के रूप में उन्होंने बिहार में बिहार को देखा है और हम लोग बिहार के गौरव जी, ये तो ठीक है, अगर मैं सभ्यता दिखा रहा हूँ तो ये कैसे ठीक है? अच्छा ठीक है, बोलने दीजिए सर। राजीव रंजन सुनिए मेरी बात, वो मुझ पर फिर कहेंगे कि आपने मुझे बोलने नहीं दिया। अब आपकी बात हो गई, बोलिए सुधांशु मित्तल, बोलिए, लेकिन जरा जल्दी बोलिए सर, टाइम कम हो रहा है, समय खत्म हो रहा है डिबेट का। नहीं, राजीव जी देखिए, ये तो
गौरव जी देखिए, गौरव जी चर्चा में इस तरह ही नहीं चर्चा हो सकती। ये तीनों जब बोले मैंने एक शब्द नहीं बोला, और जैसे मैं बोलता ऐसी मिर्चा लग जाती है इन लोगों को कि आप इसे बाहर हो जाते हैं। आप ऐसी बातें ही बोल रहे हो। कौन सी सभ्यता है यहाँ पे? चर्चा हो रही है, अपने दम है तो आपको मेरी बात सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। बिल्कुल, चलिए बोलिए आगे। अब आइए, क्या कहा तथ्य रखे, क्यों उल्टा सीधा बोल रहे हैं राजीव जी? आपको तथ्य नहीं बताओ तो चुप रहा करिए। मुझे मैं तथ्य नहीं बताया करिए, आपसे बहुत अच्छी तरह हटता हूं तथ्य। सर अच्छा नहीं लगा, और ऐसी कैसे चलेगी, मिल गए सर, ऐसी कैसे चलेगी बात? कमाल है, बीजेपी सुन नहीं सकती किसी की बात। तल्खी से मुझे कोई पर सुनिए, सुनिए राजीव जी, राजीव जी, राजीव जी, राजीव जी, बंद कर तथ्यों के साथ बता जी, बंद कर, बंद समय कम है डिबेट में, बड़े अच्छे करते आ रहे हैं, सबकी बात नहीं सुनाई पड़ेगी, एक साथ एक एक करके सुन पाएगा ना व्यूअर, आपकी बात सुनेगा कि सुधांशु जी की बात सुनेगा? सुधांशु जी बोल रहे हैं, उनका टर्न है, तो मैं यही सबसे अपील करता हूँ, उनको बोल लेने दीजिए, फिर आता हूँ सबके पास, है एक बार एक एक मौका और सबको मिल जाएगा, अभी है टाइम। सुधांशु जी कंप्लीट कीजिए। गौरव जी, गौरव जी, ये जमाना विश्वसनीयता का है। ये जमाने में अब जनता, हिंदुस्तान की जनता बहुत होशियार है, और एक एक नेतृत्व की वो विश्वसनीयता भी समझती है। अभी शक्ति सिंह जी, शक्ति यादव जी बोल रहे थे विचारधारा की, एक ही विचारधारा है, वो है भ्रष्टाचार की। लालू यादव जी सजा याफ्ता हैं, उनकी सजा पे अभी रोक लगी हुई है, लेकिन सजा हो चुकी है उनको, इसीलिए चुनाव नहीं लड़ पाए। नेतृत्व का झगड़ा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए सक्षम ही नहीं है। अगर चुनाव लड़ने के लिए सक्षम होते तो फिर बात करते हैं। और आज भी ये 1100 करोड़ के विज्ञापन की बात करें, आप अपने भ्रष्टाचार की बात करिए, जो जो इस समय सब देश देख रहा है। तो आज जिस इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं, अभी बात देखिए, मेरे तो तीन के अगेंस्ट वन बोल रहा हूँ, लेकिन सर तीन के बराबर का टाइम नहीं दे पाऊंगा। शहजाद जी आप कंप्लीट कीजिए, बता रहे थे कि एजेंडा हमारी विफलताओं का एजेंडा होने वाला है, हमारी हमारी विफलताओं का एजेंडा होने वाला है। हमारी विफलताओं का एजेंडा नहीं है, हमारे नेतृत्व के खौफ का एजेंडा है। हाय, मोदी को रोकने के लिए क्या करा जाए, तो सब इकट्ठा हो जाओ, नहीं तो 1970 में भी था, क्यों तुम्हें इकट्ठा होने की जरूरत पड़ रही है? तुम्हारे में खुद में पौरुष है, तुम्हारे में खुद में पराक्रम है, तुम्हारे खुद में स्वीकारिता है देश में, तो तुम्हें क्या इकट्ठा होने की जरूरत पड़ती? इसलिए इकट्ठा होने की जरूरत पड़ रही है कि खौफ मोदी का ऐसा। चलिए ठीक है, कि अगर हाय ठीक है मैं इसी सवाल को लेकर आगे जाता हूं, मैं इसी सवाल को लेकर आगे जाता हूं, मिलेश जी के पास, अगर हम लोग नहीं हुए तो शायद हमारे, मैं इसी सवाल को लेकर जाता हूं, मिलेश जी जो कि ऐसे दौर में विपक्ष अपनी असमर्थता को, अपने निकम्मेपन को, अगर इस शब्द को बुरा कोई न माने तो, वो साबित कर चुका है, और पक्ष जो है सत्ता पक्ष, ये साबित कर रहा है। जल्दी से एक सवाल, कुछ भी करोगे हम तुम्हें बर्बाद करके रख देंगे, और हालत ये है जो 77 की ये बात कर रहे थे, 74 के उस तरह का खौफ, वो खौफ शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं सुधांशु जी, मैं उनको मुबारकबाद दूंगा, वाकई आज खौफ है आपकी सत्ता का, और ये लोकतंत्र की हार है, ये लोकतंत्र के लिए कोई शुभ लक्षण नहीं है, ये आपका खौफ है। ठीक है, समय नहीं है, मेरे दर्शक ने ट्वीट करके मुझसे पूछा है कि राष्ट्रपति चुनाव में अगर बीजेपी के, मतलब बीजेपी की पसंद का राष्ट्रपति बन जाता है तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे? देखिए फर्क तो पड़ता है, ये नहीं मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रपति पार्टिजन हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह की राजनीति इस वक्त चल रही है, एक डोमिनेशन की राजनीति है, वो इंदिरा गांधी के युग में भी था, तो हमने देखा कि किस तरह से राष्ट्रपति भवन का मिसयूज हुआ, वो एक खदशा रहेगा। मैं बिल्कुल ये खदशा जहर कर रहा हूं, क्योंकि आपके एक देखने व्यूअर ने एक सवाल पूछा, इसलिए कह रहा हूं, मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। मैं एक छोटी सी बात करके अपनी बात खत्म करूंगा। मैं सुधांशु जी से बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि उम्मीद की राजनीति का दौर चल रहा है, ये विश्वसनीयता की राजनीति का दौर चल रहा है, ठीक है, इसीलिए लोग बिना पूछे कि 3 साल में डिलीवरी क्या है, लोग अभी भी इसी उम्मीद पे वोट दे रहे हैं कि आगे कुछ अच्छा होगा, ठीक है, और उम्मीद और विश्व की जो परिभाषा है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग। अपोजिशन के लिए उम्मीद ये है कि शायद वो इकट्ठे हो जाए, शायद वो मुकाबला मोदी जी का कर पाए, ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, समय खत्म हो चुका है, माफ कीजिए सरशाद, सुधांशु जी माफ कीजिए, समय खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष की लामबंदी तो हो रही है, लेकिन ये लामबंदी केवल राष्ट्रपति चुनाव के लिए नहीं, बहुत आगे की है, देखते हैं लामबंदी।